जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग. वक्त हो चुका है पोल ऑफ द डे का, और आज हमारा पोल का सवाल जो है वो भी एक हमारे अजीब गरीब वहम के ऊपर है, एक बिलीफ के ऊपर है. कुछ लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है. अब मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या मछली के ऊपर दूध पीने से जिल्द की कोई बीमारी हो जाती है, हाँ या नहीं? में अब आप इसका जवाब देंगे, हमें बताएंगे. और आप अगर हाँ बता रहे हैं तो आप हमें एग्जाम्पल भी बताएं कि आपने देखा क्या, ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है, ऐसा कोई डिजीज़ आपने अपनी आंखों से लाइव देखा है, किसी इंसान को सफ़र करते देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग को भी पता चले कि ऐसा हो रहा है. ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया और देखते हैं उन्होंने इसका क्या आंसर किया. सुना है कि ये सही नहीं होता है. मछली की क्वालिटी अलग है, कुछ मछली ऐसी होती है उससे होता है, हर मछली से नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता. बड़ों से मतलब आपने सुना है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए? जी, काफी अरसे से मैंने भी ये सुना है और मैं भी सुनता रहा हूँ अपने पेरेंट्स वगैरह से कि मछली, मगर वो कुछ अलग एग्जाम होती है मछली की. वो व्हाइट व्हाइट जो धब्बे पड़ते हैं ना, उसको बर्स कहते हैं, वो हो जाता है. हाँ, सुना तो है. ये बिल्कुल गलत बात है, और ये एक किस्म की मछली है जरूर ऐसी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती. जैसे पाकिस्तान इंडिया में ही है कि नहीं कर सकते? ये सुना तो यही है, लेकिन ये कि कभी ट्राई नहीं किया और कोई ऐसे फैक्ट नज़र नहीं आया कि कोई यकीनी तौर पे कहे, लेकिन सुनी हुई बातें. सुना तो यही है कि नुकसान होता है बेसिकली उससे, वो जो बर्स की बीमारी है, हमने तो यही सुना है कि उससे वो बर्स की बीमारी होती है, तो नॉर्मली वो यूज़ किया नहीं जाता. वाइट ब्लैक होती है. हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है. आमतौर पर मछली के साथ सब चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, दही है, दूध है, लस्सी है, खाते हैं पीते. पता नहीं, सुना है कि जुलाई के महीने में कोई मछली होती है, उससे उसके अंडे कुछ ऐसे होते हैं, उससे कोई होता है, हमें पता नहीं. वैसे कोई ऐसी मछली होती है जो नुकसान देती है? हर मछली का नहीं होता, मुझे पता नहीं. प्रॉपर मछली होती है जिससे लोग बोलते हैं कि नुकसान होता है, और तो ऐसा कोई नहीं. लेकिन इसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होगी, क्योंकि जो बुजुर्गों की बातें हैं वो यकीनन बहुत अहम है हमारे लिए, और उनसे हमें अपनी राह का तयन करना चाहिए. वहम है, हालांकि मैं तो बचपन से दूध और मछली खाता आया हूँ. शाम को मछली खाई, रात को दूध पी लिया. जी व्यूअर्स, अभी आपने व्यूज देखे लोगों के. कुछ ने कहा कि ऐसा होता है, कुछ ने कहा कि बड़ों से सुना है, देखा नहीं है, या वो कोई स्पेसिफिक टाइप की मछली थी उससे होता था, लेकिन उनका कोई खास बिलीव नहीं है. हमें आपसे भी मालूम करना है, और आप हमें बताइए ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv. हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको आके लाइक कीजिए, और इसकी वॉल पे भी आप हमें आके आराम से बता सकते हैं. और फोन लाइंस जब हमारी ओपन होती हैं, जो कि अब से आई थिंक एक मिनट के अंदर ओपन होने वाली हैं, क्योंकि अली मोहम्मद साहब आ चुके हैं, तो आप लोग तब भी हमें बता सकते हैं. अब चलेंगे हम अपने एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे अली मोहम्मद साहब. कहीं मत जाएगा, हम वापस आ रहे हैं. देखिए, हाँ, वापस भी आ गए. कहा था ना हम एक मिनट के अंदर अपना एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू करें. हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद साहब, इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपने कैसे हैं अली? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत. ठीक ठाक जी, बिल्कुल. आज बहुत सीरियस टेंशन में, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत. अच्छा, ओके अली, आप हमें बताइए आपका क्या बिलीव है कि क्या मछली के ऊपर दूध पीना चाहिए? देखें राफ़िया, इसमें एक कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ़िश होती है जिससे जो है ना, वो चूँकि आपको पता है कि जो बॉडी में एंटीजन्स होते हैं, जो एक पूरा इम्यून सिस्टम है, वो एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और मछली भी जो होती है वो प्रोटीनिशियस होती है. और इसके अलावा आपको बताऊं कि जो सांप का जहर होता है पॉइजन, वो भी प्रोटीन होता है. अच्छा, वो भी प्रोटीन है जी. सांप का जो पॉइजन होता है उसे अगर आप फ्राइंग पान में फ्राई करेंगे तो जैसे अंडा एल्ब्यूमिन होती है ना, इस तरह का बन जाएगा, वो अंडे की तरह. एक जगह पे मैंने देखा. ये आपको कैसे पता? ये बड़ी अमेजिंग बात है. ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा है. देखा है आपने? मैंने देखा है. अंडे की तरह? अंडे की जैसा, जर्दी की तरह. जर्दी नहीं, सफेदी की तरह. बिल्कुल एल्ब्यूमिन की तरह होता है, जर्दी की तरह नहीं, सफेदी की तरह हो जाता है. प्रोटीन होता है जो पॉइजन भी होता है. तो जितने भी पॉइजन स्नेक्स होते हैं या वो बॉडी में रिएक्ट करते हैं, बॉडी का जो ब्लड का जो वो होता है उसको फट जाता है वो,
और क्लंपिंग हो जाती है। अच्छा, तो इसी तरह से जो फिश होती है, ग्लूटिनेशन जिसे हम कहते हैं अपने वर्ड में, ग्लूटिनेशन, ग्लूटिनेशन, हाँ वो टेक्निकल टर्म में ग्लूटिनेशन कहते हैं, मैं उसे आमतौर पे क्लंपिंग कॉमन लैंग्वेज में कि एक फुट्टे फुट्टे से बन जाते हैं, जैसे दूध के बन जाते हैं ना, अगर दूध में आप सिरका डाल दें तो इस तरह से। तो वो जो फिश होती है उसमें भी कुछ इस तरह का प्रोटीन एंटीजन होता है जो आपके ब्लड की किसी पर्टिकुलर, जो जैसे हमारा ब्लड जो है हेमोग्लोबिन पे होता है, तो ग्लोबिन एक अलग होता है, ग्लोबिन भी होते हैं, ग्लोबुलिन भी होते हैं, तो उनके साथ रिएक्ट करके कोई इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपके जो बॉडी का जो फेस है, जो फेशियल जो आपके ऊपर जो स्किन है, हाँ स्किन जो है, जो एपिडर्मस है, उसकी कलरेशन डिसकलरेशन की तरफ चली जाती है। सही, और वो मेलानिन जो है जो आपकी बॉडी को पिगमेंटेशन एक्चुअली में देता था, उसकी फॉर्मेशन रुक जाती है, रुक जाती है। तो लेकिन क्या हम, आपने ऐसा कोई केस देखा? देखिए मैंने एक्सेप्ट फॉर द ल्यूकोडर्मा केसेस जो के वैसे जेनेटिकली हमारे यहाँ पास ऑन हुए हैं, लेकिन मछली के ऊपर दूध आपने ऐसा सुना? मैंने एक एक फैमिली में अपने एक रिलेटिव थे, वो एक्सपायर हो गए, उनको मैंने देखा था, और एक मशहूर हकीम थे, हकीम मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट भी किया था और वो सही भी हो गए थे। अच्छा जी हाँ। अच्छा ल्यूकोडर्मा का कहते हैं कि नहीं, वो ल्यूकोडर्मा तो खैर एक जेनेटिक डिजीज है, ये कोई और टाइप, मैं समझता हूँ ये जो जो मछली के साथ, हाँ वो कोई और टाइप ऑफ ल्यूकोडर्मा होता है, क्योंकि वो ट्रीटेबल हो जाता है, बाद दफा वो ट्रीट भी हो जाता है। जो आम ल्यूकोडर्मा होता है वो तो जेनेटिक कॉज होते हैं, उसके मुख्तलिफ कॉज होते हैं, हेरिडिटरी होता है, तो वो तो ट्रीटमेंट उसका बहुत डिफिकल्ट होता है, वो रिटर्न भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, अली हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं नदीम बात कर रहा हूँ। नदीम साहब कहाँ से? कराची से। कराची से, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आप बताइए, हमारे पोल का जवाब दीजिए, मछली के ऊपर दूध पीते हैं हम? नहीं नहीं मैं नहीं पीता। नहीं नहीं क्यों क्यों? नहीं मेरे दोस्त के साथ हो चुका है ऐसा। अच्छा ओके, चले उनके मछली के ऊपर दूध पिया था और ऐसा भाई चाय पिया था उन्होंने मछली के ऊपर, मछली के ऊपर चाय पी थी। अच्छा जी, नई चीज ओके रात ओके, फिर क्या हुआ उनके साथ? वो रात में खाना खा के मछली और चाय पी के सो गए, सुबह उनके हल्के हल्के है ना दब्बे पड़ने शुरू हो गए। अच्छा, मेरे दोस्त का क्लास फेलो था, तो जून जुलाई में छुट्टियां हुई थी, जून जुलाई के बाद आए थे, दब्बे दब्बे हो गए थे, उन्होंने बोला था हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ओके चले। अच्छा जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना है? मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूं। बहन के बारे में, बहन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 सितंबर 15 सितंबर 1996। ओके, कहां पैदा हुई? 1996। कहां पैदा हुई? कराची में। कराची में, टाइम क्या था? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे, ठीक है जी, क्या पूछेंगे बहन के बारे में? ये बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये कुरान हिफ्ज करी है माशाल्लाह, इसके बाद आगे इसकी फील्ड कैसी रहेगी, किस में रहेगी, कौन सी फील्ड में जाए? मेडिकल में जाना चाहती है। अच्छा, तो अभी 1996 तो मतलब उन्होंने अभी मैट्रिक तो कर लिया होगा है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा, कुरान हिफ्ज कर रही है। अच्छा, अभी नहीं किया, ठीक है, ओ लेवल में जाने वाली है। ओ लेवल्स में जाने वाली है, ऑलराइट, चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, मेडिकल की फील्ड में डालना चाहिए, ठीक है हम आपको बता रहे हैं, ठीक, थैंक यू। हाफिज हैं तो बहुत उनकी तालीम हो सकती है जी, चले हम आपको बता रहे हैं, चले आप फिर कंसर्न ब्रदर। देखिए ना, फिर इनका काफी इम्कान है नजर आने का, लेकिन एक चीज ये कि इनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ मुझे ब्रेकअप नजर आता है, कुछ स्टकअप चीजें नजर आती हैं, क्योंकि इनके पैदाइश में जो है वो मर्करी रेट्रोग्रेड है। ओके, और मेडिसिन में जा सकती हैं बिल्कुल, ये कर सकती हैं जो है वो मेडिसिन में ग्रेजुएशन कर सकती हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा है इनका दायचा इस हवाले से, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये कि इनको कंफ्यूजन रहेगा चीज़ें करने में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, तो मतलब मेडिसिन लेते हुए भी 10 बार सोचेंगी, हाँ सोचेंगी, और कभी अपनी फील्ड कभी ये कर लेंगी कभी वो कर लेंगी, डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर थोड़ी वीक है, उसके लिए